अभी हम लोग कोरापुट का जो साबर शिखत्र है, आपको पता होगा जगन्नाथ महाप्रभु का जो मंदिर जगन्नाथ पुरी में जो है, जो पुरी में जगन्नाथ टेम्पल है वो शिखत्र बोला जाता है, लेकिन जो कोरापुट में जो मंदिर है जगन्नाथ जी का उसको साबर शिखत्र बोलते हैं। तो इसलिए हम आज, अभी शाम तो हो गया, सुबह हम लोग देवमाली गए थे और अभी आ गए शाम को जगन्नाथ मंदिर। चलिए देखते हैं, जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करते हैं और इधर का जो मंदिर और ऊपर से जो भी व्यू है वो सब हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। के जो प्रसाद जो उनके पास जो भोग लगता है उसका जो सूखा वाला जो प्रसाद है वो यहीं पे मिलता है आपको। और आप आगे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए टाइम टेबल है, जो भगवान के जो पूरा दिन का जो पूजा का नीति नियम और जो टाइम पे होता है उस हिसाब से यहाँ पे टाइम लिखा हुआ है और भगवान का पूजा उसी हिसाब से होता है। प्रभु जगन्नाथ जितना भेज में पूजा पाते हैं सालों भर, सारे भेज में प्रभु जगन्नाथ जी का मूर्ति पूरा मंदिर के चतुर्पार्श्व में सुसज्जित करके रखा गया है। भगवान जगन्नाथ जी का आप जितने टाइप का अवतार देख रहे हैं, भेज देख रहे हैं, वो जो तिथि में उसी अवतार पे पूजा पाते हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे पूरी जगन्नाथ मंदिर में सिर्फ जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा सुदर्शन पूजा नहीं पाते, दूसरे भगवान भी बहुत सारे मंदिर जगन्नाथ मंदिर के अंदर है वो आप पूरी में देखे होंगे। वैसे ही सावर शिखत्र यहाँ पे सारे भगवान का जो मंदिर है वो बनाया हुआ है। मंदिर के चतुर्पार्श्व में आप भगवान जगन्नाथ जी का सारे रूप जो सारे बेस देखने के बाद आप सूर्य मंदिर और हनुमान मंदिर, गणेश मंदिर और माँ विमला का टेम्पल और लक्ष्मी मंदिर, बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जिसमें आप सारे भगवान का दर्शन कर सकते हैं। सेवेंटी टू
तब कोरापुट में जगन्नाथ महाप्रभु के उद्देश्य में कार्यक्रम हुआ था। तब कोरापुट में सबका मन हुआ कि यहाँ पे एक जगन्नाथ महाप्रभु का मंदिर हो। कोरापुट में ज़्यादातर आदिवासी जनजाति के लोग रहते हैं। आपको दोस्तों पता होगा जब रामचंद्र ने वनवास जा रहे थे तभी उनको इसी आदिवासी सवर जाति का एक औरत झूठा फल खिलाई थी, क्योंकि पहले वो खा के देखती थी कि कौन सा फल मीठा है और जो वाला फल मीठा है उसी वाला फल को भगवान रामचंद्र जी को वो खाने के लिए दे रही थी। इसीलिए यहाँ पे जब भी बहुत ज़्यादा आदिवासी इलाका है, इसीलिए यहाँ पे भगवान जो जगन्नाथ जी का मंदिर है उनका नाम सावर क्षेत्र रखा गया। आज भी दोस्तों यहाँ पे जो पूजा नीति है और जो उनका प्रसाद बनता है उसमें आदिवासी संप्रदाय का जो लोग रहते हैं वो बनाते हैं। इसीलिए प्रभु जगन्नाथ जी का मंदिर जो है कोरापुट में उसको हम सावर क्षेत्र बोलते हैं। देवमाड़ी से पहुँचते पहुँचते कोरापुट शाम हो गया और अभी भगवान श्री जीव का अभी आरती चल रहा है। अभी आरती भी हम देखेंगे और आगे और क्या क्या मंदिर में है हम देखेंगे। जय जगन्नाथ। प्रभु जगन्नाथ सुदर्शन बलभद्र मास देवी सुभद्रा की जय। पे जब भी पुरी में जगन्नाथ मंदिर नवकड़ेवर हुआ था तब भी से उसमें से जो दारू बचा था उसी दारू से सावर क्षेत्र कोरापुट जगन्नाथ मंदिर में भगवान चतुर्धा मूर्ति जो है उनका मूर्ति बनाया हुआ है। यहाँ पे बहुत सारे भगवान का मूर्ति है, उधर नाम के साथ भी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे गणपति जी का कितना टाइप का ये आर्ट है। भक्ति गणपति, वीर गणपति, महागणपति, तरुण गणपति, बाल गणपति, ऊर्ध गणपति, नृत्य गणपति, उद्दिष्ट गणपति, सिद्धि गणपति, लक्ष्मी गणपति, हिदम्ब गणपति, क्षिप्र गणपति, विभुराज गणपति, ध्वज गणपति, शक्ति गणपति, भुवनेश गणपति। तो गणपति जो है उनका बहुत सारा चित्र है यहाँ पे। और यहाँ से हम इधर आ रहे हैं तो आप ये जगह देख सकते हैं, यहाँ पे प्रसाद मिलता है। यहाँ पे दोनों हिंदी और उड़िया में आपको डिटेल्स है। ₹60 है यहाँ पे प्रसाद, एक थाली को ₹60 है। और यहाँ पे आप लाइन लगा के पार्सल के लिए है, अभी शायद पार्सल के लिए चल रहा है, और यहाँ बैठ के खा सकते हैं।
यहाँ पे आप देखिए अच्छा डाइनिंग का सिस्टम भी बना है, यहाँ पे कितना अच्छा स्टील का डाइनिंग बना है। और ये खाने का सिस्टम, इधर इतना लोग खाते, जितना भी भक्त आते हैं यहीं पे प्रसाद खाते हैं, और अभी पार्सल भी ले सकते हैं, पार्सल लेके आप खा सकते हैं। फिर से हम आपको दिखा रहे हैं, एक साइड आपको दिखाए थे कि भगवान के नाम के साथ यहाँ पे भी दूसरे साइड भी बहुत सारे भगवान के मूर्ति है और नाम है। दोस्तों मंदिर बहुत ऊंचाई में है, इसीलिए आपको यहाँ पे गाड़ी लेके आ सकते हैं, इसलिए रास्ता बनाया हुआ है और सीढ़ी के वही रास्ता है। आप देख सकते हैं बहुत सारे सीढ़ियाँ हैं ऊपर आने के लिए, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा। दोस्तों कोरापुट मंदिर से आपको कोरापुट सिटी भी दिखाई देता है। अगर आप जयपुर में स्टे कर रहे हैं तो कोरापुट आने के लिए आपको 1500 से 2000 रुपीज़ आएगा, लेकिन कोरापुट से जयपुर और जयपुर से कोरापुट के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इसीलिए आपको ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत ही नहीं है। दोस्तों आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर मेरा चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरा जो कोरापुट डायरीज है उसमें आगे बहुत सारे अच्छा अच्छा वीडियोज़ आने वाला है। और लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय जगन्नाथ, गुड नाइट।